बच्चों के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सारे ही विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे विटामिन के बारे में जिसकी डेफिशिएंसी बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं NBT लाइव। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक स्पेशल विटामिन के बारे में जिसकी वजह से बच्चों की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पे काफ़ी असर पड़ता है। इस विटामिन का नाम है विटामिन डी। जी हाँ, हमें लगता है ना कि सनलाइट से तो विटामिन डी मिल जाता है, फिर इसकी डेफिशिएंसी किसी को कैसे हो सकती है। पर आपको बता दें कि बच्चों में सबसे ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस उम्र के अंदर, जिस उम्र में बच्चों को ग्रोथ हार्मोन्स की ज़रूरत है, उस टाइम पर बॉडी में सारे ही विटामिन और मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इस समय में बच्चे सबसे ज़्यादा सुपर एक्टिव होते हैं, खाने पर इतना ध्यान नहीं देते और खेल कूद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस वजह से बच्चों को कुछ मिनरल्स और विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या क्या दिक्कतें बच्चों में आ सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि इससे आपके दांत और हड्डियां दोनों ही कमज़ोर होने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। इस वजह से जो हड्डियां होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और दांत भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जिन बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनमें सबसे ज़्यादा रिकेट्स के भी केसेस देखे जाते हैं। रिकेट्स एक ऐसी हेल्थ इशू होती है जिसके अंदर बच्चों की टांगें बाहर को मुड़ने लगती हैं, एकदम सी की शेप में हो जाती है। रिकेट्स इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की बोन्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और इतनी ज़्यादा नाजुक हो चुकी होती हैं क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन नहीं हुआ होता है कि वो बाहर को मुड़ने लगती हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के अंदर कमज़ोर इम्यूनिटी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं है तो वो ना वो कैल्शियम अब्सॉर्ब कर पा रहा है, ना ही वो कोई मिनरल अब्सॉर्ब कर पा रहा है। इस वजह से बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो मौसम बदलते ही बीमार पड़ने लगते हैं। अगर कोई भी फ्लू फैलता है तो सबसे पहले बच्चों को होने लगता है, खांसी जुकाम बच्चों में रहने लगता है। इस वजह से इम्यूनिटी भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा लेजी फील करते हैं। उनका मन नहीं करता है कि वो बाहर जाकर खेलें, वो आउटडोर गेम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम इन्वॉल्व होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो रेस्ट करें, बेड पर लेटे रहें या बस लेट कर टीवी देखते रहें या फ़ोन देखते रहें। ऐसे में बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है और इस वजह से हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, ज़्यादा जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं बढ़ती है, जिस वजह से उनकी फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत इशू आता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो विटामिन डी का अच्छा सोर्स है और आपको बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। सबसे पहले बच्चों को सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि बच्चे बाहर जाकर खेल रहे हैं, सनलाइट में खेल रहे हैं, और कोशिश करें कि दिन में खेल रहे हैं, शाम की सनलाइट में नहीं, सुबह सुबह की सनलाइट में अगर खेलेंगे तो उससे बॉडी को अच्छा विटामिन डी मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, बच्चा नॉन वेजिटेरियन है, तो आप बच्चे को फैटी फिश भी दे सकते हैं। फिश के अंदर भी बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है और बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। ये फिजिकल डेवलपमेंट में उनको बहुत मदद करती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप बच्चे को मशरूम और सोया खिला सकते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर भरपूर मिनरल्स, विटामिन और फाइबर होता है। ये बच्चे को हर तरह की डेफिशिएंसी से बचाता है। साथ ही आप कोशिश करें कि बच्चा किसी न किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर हो सके तो आप उसको योगा क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं, आप उनसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, उनको डांस एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं जिससे उनकी बोन्स और उनके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, साथ ही उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर ना हों। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमज़ोरी के लक्षण क्या होते हैं। अगर बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसके लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण ये है कि बच्चे का लेज़ी होना, बार बार हेडेक होना, उनको चक्कर आना, बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, और कई केसेस में ये भी देखा गया है कि बच्चों को फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर होना। अगर आपको लगता है कि बच्चा बस गिरा और उसको फ्रैक्चर हो गया तो इसका मतलब हो सकता है कि उसकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से उसकी बोन्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अगर आपको ये लक्षण अपने बच्चे में देखने को मिलते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़रूर दें, पर डॉक्टर से बिना कंसल्ट करें अपने आप कोई भी सप्लीमेंट ना दें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप NBT लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि बचपन में आप क्या खाना पसंद करते थे।